हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी एग्जाम के ऊपर। वीआईटी किस तरह का मॉक पेपर दिया है, अगर मैं बात करूँ 2020 का, 2021 का, 2022 का, किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया है और इस बार का मॉक में किस किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े। बस मैं इतना ही बोलूंगा, मैं तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है उतना मैं ट्राई कर तुम सभी तक डिलीवर करने का। वैसे बच्चे जो अभी तक मेरे से पर्सनल गाइडेंस के लिए नहीं जुड़े हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर दो और मेरी तरफ से मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा दूंगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। चाहे वो मणिपाल का हो या वीआईटी का हो, बिटसेट का, जेईई मेंस का, किसी का काउंसलिंग हो, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट देने का। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 24/7 मेरे को कॉल कर सकते हो, किस किस से ज्यादा वेटेज है, सब चीज के रिगार्डिंग तुम डिस्कशन कर सकते हो, मणिपाल, वीआईटी, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं क्या क्या हूँ, 2-3 महीने मैं हूँ, एक दो मेरा फ्रेंड है, सब साथ मिल करके ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए है डिजाइन करके मैं प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे भी जो कुछ नहीं कर रखे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर कुछ डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारा हेल्प कर देने का। बट इस वीडियो में जो बताऊंगा उसे फॉलो करना, उसे तुम अगर वीआईटी में अपीयर हो रहे हो एक तरीके को, मतलब हाँ एक आइडिया मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन मॉक में है तो चांस बनता है कि एग्जाम में भी इससे ज्यादा क्वेश्चन रहे, और हमेशा से इस चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आता रहा है और इस बार भी आएगा। क्योंकि देखो मॉक एक क्या होता है, सैंपल पेपर दिया जाता है कि इस बेसिस पे ही क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, क्योंकि वीआईटी के एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर को रिमूव किया गया है। अगर तुम नहीं जानते हो तो प्लीज ट्राई करो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का, देखो कौन कौन चैप्टर को रिमूव किया गया, उसे ट्राई करो अवॉइड करने का, ठीक है। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में मैं 4-5 चैप्टर बताऊंगा, इसे कर लोगे तो मैक्सिमम तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा, मतलब तुम 60-70% तक तुम्हारा कवर हो जाएगा। फिजिक्स में बताऊंगा, उसे भी तुम कर लोगे तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा बुक से करने से नहीं होता, कुछ हटके करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में थोड़ा ऑर्गेनिक का ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन था, जैसा मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ। और बात रहा इंग्लिश का और रीजनिंग का, देखो इंग्लिश अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो इंग्लिश में कोई इशू नहीं आएगा, 100% कोई इशू नहीं आएगा। और बात रहा रीजनिंग का, तो मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, उतना प्रैक्टिस कर लेते हो शायद किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट नहीं होगा, नॉट ओनली इन वीआईटी, अगर बिटसेट में रीजनिंग आता है तो वहां कोई इशू नहीं होगा। मैं क्या किया हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूँ, वो सफिशियंट है तुम्हारे रीजनिंग और इंग्लिश। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले इसी को कर लेना, देखो 15 मार्क्स तुम्हारा फ्री का आ जाएगा। और क्या है ना, बाद में अगर करते हो ना तो रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब गलत होने का ज्यादा चांस बनता है, और वीआईटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी का ट्राई करना, इसे लगभग 15 मिनट में खत्म कर देने का ट्राई, 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर हो जाएगा मैक्स, 10 मिनट में तुम्हारा इंग्लिश और रीजनिंग दोनों हो जाएगा। ट्राई करने से पहले करना, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूँ कैसे तुम एग्जाम का पेपर को अटेम्प्ट ले सकते, इसके लिए मैं ट्राई करूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले वीडियो बना देने। मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। मैथ्स में लगभग 6 क्वेश्चन थे फैक्टर 3D से, और 2018, 2019, 2020, 2021 देखो हमेशा से वीआईटी के एग्जाम में 4-5-6 क्वेश्चन तक रहे हैं वेक्टर 3D से। 9 एक बार तो 9 क्वेश्चन था तुम्हारा, 2021 का देखना पेपर 9 क्वेश्चन वेक्टर 3D से था, और इस बार का मॉक में तुम्हारा लगभग 6-7 क्वेश्चन था वेक्टर 3D से। उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसे कर देना, डिफरेंट इंटीग्रेशन जो मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड किया उसे कर देना, सफिशियंट होगा तुम्हारे लिए वो डिफरेंट इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको मैं लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, प्लीज इसे मत छोड़ना, इससे भी 4-5 क्वेश्चन थे तुम्हारा लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। उसके मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स क्या बोलूँ, 3 क्वेश्चन थे, और लास्ट टाइम शायद क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पहले टाइम 4 क्वेश्चन थे, इस बार मॉक में 3-4 क्वेश्चन थे तुम्हारा मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स का। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे तुम्हारा, ठीक है, लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन थे, इस बार 2 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से मॉक में। डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करूँ, 3 क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं यहाँ पे। उसके एरिया अंडर कर्व, इतना कर लो, इतना कर लेते हो उसके बाद ट्राई करो, और एक मैं वीडियो बनाया हूँ जिसे मैं बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसे मैं लगभग सारा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके बनाया था, और ये जो बता रहा हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉक, और जो बच्चे 6 मार्क्स लाए थे मैं उससे बात किया हूँ, वो क्या बताया मेरे को, भैया मेरा 7000 लगभग लास्ट टाइम रैंक था उसका, उससे मैं बात किया, वो मेरे को बताया हाँ ये चैप्टर का रहता है, और ऊपर से मैं खुद मॉक दिया हूँ, किसी का आईडी लेके मैं खुद मॉक दिया, मेरे को आइडिया हो गया किस तरह क्वेश्चन था तुम्हारा और किस तरह पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करूँगा फिजिक्स में, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स को मत छोड़ना, मॉडर्न फिजिक्स को मत छोड़ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मत छोड़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मत छोड़ना, एसी को मत छोड़ना, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट को मत छोड़ना। फिर से बोल देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स को मत छोड़ना, 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हारा, 4-5 क्वेश्चन हमेशा याद रखना, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे तुम्हारा, और तुम्हें केमिस्ट्री में तुम्हारा हेल्प हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा। मॉडर्न फिजिक्स में एक मत छोड़ना, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद बात करूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और उसके करंट इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, ये करने के बाद एसी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये करना, इसे छोड़ के मत जाना। उसके बाद काइनेमैटिक्स और वेव ऑप्टिक्स, काइनेमैटिक्स वेव ऑप्टिक्स ये दोनों को कर लेना, ठीक है। बाकी 11 के बहुत सारे क्वेश्चन थे बट अभी कुछ नहीं किया तो छोड़ दो, अगर ये कर लेते हो इसके बाद मेरा लास्ट वीडियो है तुमसे देख लो उसे मैं किस किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया हूँ। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ ना, केमिस्ट्री में तुम्हारा स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है तो,
अगर ऑर्गेनिक अच्छा है, इन बिटवीन इजी टू हार्ड क्वेश्चन करके रखे हो तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर अभी भी नहीं किए हो मैं बताना चाहता हूँ, मैं नेमिंग रिएक्शन अपलोड किया 35 नेमिंग रिएक्शन है, वो कर लो, उससे तुम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लगभग अगर 10 क्वेश्चन रहते हैं ना, लगभग 6-7 से तुम सॉल्व कर लोगे। उसके बाद क्या करना है देखो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला के बताता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो, पीरियोडिक टेबल कर लो। उसके बाद क्या करना है देखो, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतना कर लो। अगर ये कर लेते हो उसके बाद मैं लास्ट वीडियो देखो, मैं जिसमें बताया हूँ किस तरह से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ये जो बताया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मॉक और जो बच्चे लास्ट टाइम पेपर दिए थे मैं उससे बात किया हूँ, और खुद मैं खुद मॉक दिया हूँ, तो मेरे को आइडिया किसी कैसे क्वेश्चन था, बस इतना ही बोलूंगा। और इंग्लिश और रीजनिंग के लिए प्लीज कहीं मत देखो, मैं प्ले लिस्ट तुम देख लो, वो सफिशियंट है तुम्हारा, सफिशियंट है, बार बार बोल रहा हूँ। वैसे बच्चे जो अभी भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस पे नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाओ, तुम्हारा उससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अभी जुड़ने से क्या होगा, एट द एंड काउंसलिंग किसी और के पास जुड़ोगे उसके पास ज्यादा क्राउड होगा, वो अच्छे से गाइडेंस नहीं दे पाएगा। मैं 24/7 आवर तो मेरे को कॉल कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, और मैं 1-to-1 डिस्कस करोगे, ठीक है, कैसा रहेगा। और अभी करंट से प्रॉफिट क्या है, मैं सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तो मैं तुम्हारा मैक्सिमम बेनिफिट दूंगा ही दूंगा। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ वैसे बच्चे इसका, कि मेरे वीडियो से हेल्प होता हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज भैया का चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ट्राई करो सपोर्ट दिखाने का, तुम सपोर्ट दिखाओगे ना मैं ट्राई करूँ तुम सभी के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का। इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट दिखाओ, मैं अपने मतलब बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी मैं, बस इतना ही चाहता हूँ, प्लीज सपोर्ट दिखाओ जिससे कि मैं ग्रो हो सकूँ। होप दिस इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो मैं चैप्टर आज बताया हूँ प्लीज उसे कर लेना, मॉक में से था और लास्ट ईयर, तो अगर खुद भी एनालाइज करना चाहते हो कर लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारा। इसे करने के बाद ही मैं लास्ट वीडियो देखा इसे मैं बताया हूँ, वो भी अगर हो जाता है तो ट्राई करना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, और फिर ताकि अगर मॉक नहीं लगाए हो तो मॉक लगाओ तुम, ठीक है, थैंक यू।